लॉकडाउन के आदेशों का जमकर उल्लंघन हुआ। आपको बता दें कि सड़कों पर फर्राटे भरते हुए वाहन भी नजर आए। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन लगाया हुआ है। वहीं ताजनगरी आगरा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन होता हुआ नहीं दिख रहा। सड़कों पर वाहन फर्राटे भरते हुए नजर आ रहे हैं। ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन लेके जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा कुछ चौराहों पर चेकिंग की जा रही है, पर कुछ जगहों पर पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आगरा जिला प्रशासन इस तरह से कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाब हो पाएगा या फिर लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। प्रदेश में एक तरफ योगी सरकार ने 5 दिन का लॉकडाउन सोमवार तक लगा दिया गया है और जो नियम है वो भी लॉकडाउन में जो पहले की तरह चल रहे थे वही लागू है। पर आगरा शहर में इस लॉकडाउन का असर यहाँ पर नहीं भी देखा जा रहा है। अब मैं इस समय जीवी मंडी चौराहे पर खड़ा हूँ। किस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा, वाहन यहाँ पर बहुत तेजी से हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह की यहाँ पर चेकिंग की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर काफ़ी वाहन यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग काम से नहीं है वो भी यहाँ पर बेफजूल घूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह की यहाँ चेकिंग व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ योगी सरकार लॉकडाउन लगाने की बात करती है और दूसरी तरफ यहाँ पर किस तरह से वाहन रेंगते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और सड़कों पर भी जनता यहाँ पर देखी जा रही है। किसी भी तरह की यहाँ चेकिंग भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पर क्या इस तरह से योगी आगरा प्रशासन कोरोना की चेन तोड़ने में नाकाम हो पाएगा कि नहीं, देखना होगा। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24।